हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए कि आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम इतना हसीन था तो सोचा कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना ले, तो मैंने साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मैंने ये रील बनानी थी तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो मैंने बनाए पैन केक्स जो कि बहुत मज़े के थे, तो सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। खैर शॉर्ट्स में मैंने शेयर किया लेकिन मैं ब्लॉग में रील सोचा शेयर कर दूँ। और जो है मैंने आपको आज बताना है कि मैंने एक तो ऑर्डर्स दिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब मुझे एक क्रिएटिविटी लगी थी तो मैंने सोचा मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ बनाना। तो मुझे ना मैंने वैसे मैं बनाती रहती हूँ लेकिन मैं बहुत कम पोस्ट करती हूँ ना इस चीज़ को क्योंकि मुझे इतना वो नहीं होता, लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे हम बास्केट या बॉक्स बना सकते हैं। मतलब मैं बना सकती हूँ और मैं आपके लिए भी बना सकती हूँ। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सॉरी यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर और मेरे टिकटॉक पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं वैसा सेम टू सेम। तो ये तो मेरे पैन केक्स बनाते सोचा साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर लूँ। ये सारी चीज़ें जो है मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी होती है और बंदा जो है थोड़ा सा अपने मज़े में होता है तो बना भी लेता है। पैन केक्स तो कुकिंग करना तो मेरा बहुत ही फन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना और ये सब कुछ करना क्योंकि कुकिंग में जो मुझे ना ऐसे डिप्रेशन के जो अगर शिकार होता है ना तो ऐसी चीज़ें ढूंढ लेकर जो आप कुकिंग करें या फिर ऐसी अपनी हॉबी बना लें। खैर मुझे तो अलहमदिल्ला कोई डिप्रेशन नहीं है, तो मुझे बस शौक है ऐसी कुकिंग करना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं ऐसे जैसे मैंने कुकिंग करके मैं बहुत बड़ा रूटीन मार लिया है। तो ये रहा, मैंने बॉक्स बनाया था, ये मैंने खुद बनाया था। पहले मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड की थी कि सारा बनाने की, लेकिन फिर मैंने आधे में छोड़ दी थी क्योंकि बस इतना टाइम नहीं था, मैं वीडियो भी बनाऊँगा साथ साथ में ये इस बॉक्स को भी बनाऊँ। तो ये बहुत एक्सपेंसिव बनता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत मज़े का बना, मुझे अच्छा लगा ये बना के। तो सोचा मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ साथ, और इसमें मैं आपको टिप्स भी दिखाती हूँ डालते हुए कि मैंने क्या क्या इसमें डाला था। आप कुछ भी डाल सकते हैं, केक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें टिप्स डाला था इसलिए मैंने जो है ना इसको रिकॉर्ड कर दिया था कि केक के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो लोग ज़्यादा केक के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि केक आपको पता है इधर उधर हो जाता है, गिर जाता है। तो ये मैंने मेकअप वगैरह डाल दिया था जो मैंने ऐसे मार वीडियो बनाई थी, और ये कुछ शूज़ थे और ये ड्रेस था एक, तो ये डाल के मैंने थोड़ा सा इसको सजाने की कोशिश की है। साथ मेरी कज़न भी है जो डाल रही है। उसके बाद इसको हमने बड़ी मुश्किलों से बंद किया था क्योंकि शूज़ का साइज़ बहुत बड़ा था तो आ ही नहीं रहा था। ये देखिए फिट बना था, और मैंने बास्केट बनाई थी वो भी बहुत मज़े की बनी थी, वो फूड बास्केट थी। आप भी ऐसे बना सकते हैं, अगर आपको मुझे ऑर्डर देना है तो आप मुझे दे भी सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर अभी तो नहीं दे सकती कि यार इट्स नॉट ईजी टू गिव नंबर, लेकिन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया उस पर। ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी, मुझे बहुत मज़ा आया था ये बनाते हुए क्योंकि एक वो था स्किल था, और ये मुझे जो है मैं ऐसी बनाती रहती हूँ लेकिन मेरी वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करती रहती क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था। मुझे मेरी बहन ने बोला कि तुम वीडियो रिकॉर्ड करके डालो अपने चैनल्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर। मैं सोचा मैं डाल देती हूँ, होप सो आपको अच्छा लगेगा। मेरा चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगले दिन हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की तो हम वहाँ चले गए थे, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैंने सोचा थोड़ा सा वो भी ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने उसका इंटीरियर जैसे वगैरह और केक वगैरह की भी वीडियो बना ली ताकि आपको दिखा सकूँ। छोटा मैंने ब्लॉग था, वैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इतनी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि यार कुछ लोगों को अच्छा लगता कि वीडियो रिकॉर्ड करो, या फिर कुछ लोग जो है आपको पता है अगले बंदे को ऐसे बोल देते हैं मैं फट के कि यार तुम वीडियो ना बनाओ, ऐसे जैसे मैं उनकी शक्लों की बना रही हूँ, उनकी तो नहीं बना रही होती, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं इंटीरियर वगैरह की बना रही होती हूँ, मैं किसी चीज़ की बना रही होती हूँ, मैं कौन सा उनके जो है सारी चीज़ों की बना रही होती हूँ जो आप उनको कम बुरा लग रहा होता कुछ लोगों को। खैर आई डोंट केयर फॉर एनीवन, बस मैं सोचा मेरे साथ ये छोटे छोटे केक भी शेयर करूँ। मुझे केक बहुत पसंद आया था, फॉन्डेंट केक था ये, और ऐसे मेकअप वगैरह वाला था सीन। तो इन मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, आप कहेंगे क्या बार बार ये बोल रही हूँ। चलिए आज का ब्लॉग तो यहाँ तक ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे और आइडियाज़ दें मैं क्या ब्लॉग बनाया करूँ, खैर मेरे पास इतना कुछ है नहीं आज कल, मैं बिज़ी होती हूँ, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देती हूँ, लेकिन शुक्र है कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता है ब्लॉग बनाने के लिए। ये देखिए चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, टाटा बाय बाय।